मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कांग्रेस प्रत्याशियों को करोड़ों अरबों के ऑफर आए लेकिन पक्के कांग्रेसियों ने पार्टी नहीं छोड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। खातेगांव पहुंचे जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा विदिशा लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया तो अलग अलग तरीके से करोड़ों अरबों रुपए के ऑफर आए, वे डरे नहीं डटे रहे और न ही उन्होंने पार्टी छोड़ी। जीतू पटवारी ने बताया कि खातेगांव के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल जिन पर बहुत प्रेशर और दबाव था रिश्ते नाते बताकर इमोशनल ब्लैकमेल किया गया लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ये कहा कि शिवराज सिंह के खिलाफ अगर कोई नहीं मिले तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। जैसे इनको हमने टिकट दी तो इनको अरबों रुपए के करोड़ों नहीं अरबों रुपए के ऑफर आए, 50-50 करोड़ के ऑफर आए, अलग अलग तरीके से आए, पर ये आदमी न डिगा न डरा न लालच में आया। हमारे पूर्व विधायक कैलाश कुंडल जी जिन पर बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था, बहुत रिश्ते नाते बताए गए थे, एक तरह से जिनको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया होगा मैं जितना जानता हूं, उसके बाद भी कांग्रेसियत क्या होती है उनने छोड़ी नहीं, जरा उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।